क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान वर्ड में ये रखना है कि पहले काम करने के पहले मेरा पेज सेटअप क्या है, हमारा पेज सेटअप क्या है। नाउ पेज सेटअप का मतलब क्या होता है? हमारा पेपर जो होता है, हमारा पेपर नॉर्मली A4 होता है, ओके? तो वो A4 साइज और उसके चारों तरफ का मार्जिन, ये हम लोगों को सबसे पहले सेट करना होता है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रिंट निकालते हैं वो टाइम पे जब सेटिंग करने बैठेंगे ना, तो कभी वो लेफ्ट का राइट में चला जाएगा, राइट का नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फर्स्ट पेज सेकंड पेज में चला जाता है। तो वो हमको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि वो सेटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा पेज लेआउट, पेज लेआउट में जाके मेरा पेज सेटअप, ये सबसे पहले। कभी भी कोई भी आप काम करने बैठे हो, आप कंप्यूटर में कुछ टाइप करने बैठे हो, सबसे पहला क्लियर चीज आपको ध्यान में है, आपका पेज सेटअप चेक करो। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है सब हो गया, बाद में मालूम पड़ा पेज सेटअप चेंज हो गया, अगेन पूरा रीसेटिंग करते जाओ, वो किसने सिखाया? ठीक है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेरा पेपर, पेपर में A4 साइज। ठीक है, अगर इन बिटवीन किसी को भी पूछना है, आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो। आपके पास, मैंने किसी को म्यूट कर दिया है, बट अनम्यूट ऑप्शन आपके पास है, आप अनम्यूट करना है, मुझे पूछ सकते हो अगर कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, A4 कंपलसरी है बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में, ये लेटर होता है। लेटर और A4 में फर्क ये होता है, आपका हाइट जो पेपर का नॉर्मल आता है वो 8.5x11.5 इंच होता है, तो हम लोग फुल यूज कर सकते हैं अगर आपने उसको A4 यूज किया है। फाइन, मार्जिन, मार्जिन एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर चारे तरफ से होना चाहिए। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, चारों तरफ से मार्जिन एटलीस्ट अपना 1 सेंटीमीटर तो मिनिमम होना चाहिए। लेफ्ट साइड में आप थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को फाइलिंग करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड थोड़ा अच्छा है, गटर। ओके, नाउ व्हेन यू से गटर, गटर का मतलब ये होता है इट्स अ अनयूज्ड स्पेस। मतलब लेफ्ट साइड में ऐसा कोई अनयूज्ड स्पेस है क्या? नॉर्मली हम लोग ये दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड से अगर मुझे मार्जिन छोड़नी है तो मैं डायरेक्टली लेफ्ट मार्जिन उतना छोड़ के रख देता हूं, तो गटर गटर पोजिशन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेनली टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये चारों तरफ का मार्जिन आपको ध्यान में रखना है। मेरा ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, वर्टिकली प्रिंट करना है या मुझे लैंडस्केप यानी कि आपका हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया पोर्ट्रेट। तो पेपर और मार्जिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके, ठीक है, ठीक है, इग्नोर ये मेरा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर थोड़ा कभी कभी पेपर के लिए वो बोलता है एटलीस्ट 1 इंच को, मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कर दिया, इट्स ओके। नाउ मुझे अभी यहाँ पे कुछ टाइप करना है। ठीक है, नाउ लेटर हम लोग लिखते हैं, सी आई एम टेकिंग एंटायर लेटर, एक लेटर फॉर्मेट प्रॉपर कर रहा हूं, मतलब आप रियल लाइफ में यूज कर रहे हो या प्रोफेशनल यूज करते हो, आपको ये चीज प्लीज ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, ओके, अभी यहां पे सबसे पहला फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, सपोज मैं एक बैंक में मेरा बैलेंस पूछने के लिए लेटर लिख रहा हूं, एक सिंपल लेटर में दे रहा हूं कि मुझे मेरे बैंक के अकाउंट का मुझे बैलेंस पूछना है, बराबर है? ये नॉर्मली एक जनरल लेटर अपना होता है। आप जब टाइप करते हो, आप लोगों को अगर ये चीज पता होगी, दो आपके आता है, एक रेड अंडरलाइन और एक ब्लू अंडरलाइन। ब्लू अंडरलाइन जो है वो आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, रेड अंडरलाइन है वो आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है, और नाम ऑलवेज स्पेलिंग मिस्टेक में आता ही है, बराबर है? ये पूछ रहा है भाई अल्पेश नाम का कोई आदमी, मुझे पता नहीं, तो बट नेचुरल है, नाम को ऑलवेज वो आता है रेड, आपको उसको इग्नोर करना होता है। पहले यहाँ पे वो टाइप कर लेता हूँ, ऐसा मत सोचना सर इतना फास्ट टाइप क्यों कर रहे हैं, सर 27 साल से टाइपिंग कर रहे हैं, तो अभी सर का स्पीड इतना ही होगा, तो अपने को ये नहीं होना चाहिए कि हमारा इतना और हमारा इतना, आप भी चालू कर दो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट एक उंगली से प्लीज टाइप मत करना। इसे मैं पूरा, भले मेरा टाइम 2 मिनट ज्यादा जाएगा, बट मैं एक्चुअल बता रहा हूं आपको कि कैसे आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपका डेट आता है, डेट का हैबिट ऑलवेज, दिस इज अ एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग, 6 मई 2020,
ठीक है, वो 2020 अभी बोलने की आदत पड़ गई है, वो T20 हो या T50 हो, फिर अपने को 2020 बोलना है। नौ, फिर उसके बाद आपका टू द मैनेजर सपोज बैंक ऑफ इंडिया गोरेगांव वेस्ट ब्रांच, उसमें आपका सारा सेटिंग्स आ जाएगा, ध्यान रखना मुंबई। अभी सबसे पहले तो ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ, ये बीच में का गैप मेरा काफी आ रहा है, ठीक है, मैं ये पूरा मैंने स्पेस सिलेक्ट कर लिया। ओके, आई वेंट टू वेयर, होम में चले जाते हैं, होम में हमारा यहाँ पे एक फॉन्ट है और एक पैराग्राफ है, ठीक है, मैं पहले जाता हूँ पैराग्राफ के अंदर। गैप बिटवीन टू लाइन, यानी कि मेरा एंटर है, एंटर का मतलब होता है इट्स अ न्यू पैराग्राफ, बराबर है। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है ना मुझे गैप बिटवीन ये 8 पॉइंट, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, या तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ, पहले देखे कितना होता है वो, बराबर है, ये हो गया। अभी ये जो चीज है मेरा, ये नॉर्मली मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए होती है, नॉर्मली अपना लेटर में राइट साइड में फ्रॉम होता है, ये टू होता है, लेफ्ट साइड में सारा का सारा होता है अमेरिकन सिस्टम, लेकिन अभी हम अमेरिकन है, अभी हम लोग इंडियन इंडियन कल्चर वापर रहे, ठीक है। यहाँ पे ये इंडेंट पता है, ये इंडेंट करके एक ऑप्शन आता है आपका, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन इंक्रीज योर इंडेंट, जस्ट सी इंक्रीज योर इंडेंट, इंक्रीज योर इंडेंट, इंक्रीज योर इंडेंट, इंक्रीज योर इंडेंट, इंक्रीज। अब ये इंक्रीज इंडेंट मतलब हुआ क्या, कुछ नहीं, आपका लेफ्ट मार्जिन बढ़ गया, देखो 13 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, बट वहां पे मैंने क्यों डायरेक्ट टाइप नहीं किया, अब कितने बार टाइप करेंगे, 5 सेंटीमीटर रहा, अरे और जाने का है, वापिस 8 करेंगे, अरे और राइट में वापिस 10 करेंगे, सॉरी सिलेक्ट करो, उसके बाद आपको लेफ्ट या राइट जितना करना है जो करना है आप सिलेक्ट करके ले लो, बट उसके पहले मैंने बाकी का सारा नीचे का लाइन लिखा, उसके बाद मैं इसको इंडेंट कर रहा हूं, क्यों, नहीं तो मुझे वापस लिखा वापस लेफ्ट में लो, वापस करो वापस राइट में करो, तो थोड़ा मैंने लिख के लिया, जितना जिसको जितना सेटिंग मुझे करना था उतना सेटिंग को मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये सारा का सारा सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज मैंने यहाँ पे कर दिया, इंडेंटेशन मैंने यहाँ पे दे दिया, बराबर है इतना, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट, ये तो मुझे मेरा यहाँ पे जो है वही चाहिए, फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद मेरा सब्जेक्ट आएगा, ओके, बैलेंस ऑफ अकाउंट नंबर, जो भी मेरा अकाउंट नंबर है वो एंटर, रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, जो भी आपको लिखना है वो यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं, इसको मैं दे रहा हूं, यहां पे मेरे पास एक अलाइनमेंट का ऑप्शन है, लेफ्ट सेंटर राइट और ये जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या है हम लोग बाद में आते हैं, ये मैंने सेंटर, क्योंकि मुझे वो सेंटर में वो हेडिंग चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से सीधा दे दिया मुझे ये सेंटर में चाहिए। ये सारा का सारा जो मेरा फॉन्ट है ये सबको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि वहां तक नहीं तो अपने को क्लियर नहीं दिखेगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। नॉर्मली 12 पॉइंट इज अ आइडल, 11 to 12 पॉइंट इज नॉर्मल, उससे बड़ा नहीं करना है क्योंकि हम लोगों ने फॉन्ट वैसा यूज किया हुआ, राइट ये हो गया। इसमें मुझे लगता है कि नहीं बहुत एकदम कट टू कट आ रहा है, ओके पैराग्राफ में जाते हैं, थोड़ा इसमें बढ़ा देते हैं, चाहिए तो दो पैराग्राफ के बीच में का चाहिए तो थोड़ा मैं इसको गैप बढ़ा देता हूँ, अपने आप वो थोड़ा गैप मेरा बढ़ गया, बराबर। यहां तक का सेटिंग सबको समझ में आ गया, मुझे चैट बॉक्स में सबका यस चाहिए, समझ में आ गया सबको, चैट बॉक्स में मुझे यस करते जाओ, अगर सबको समझ में आ गया है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस तक यस, परफेक्ट। कोई मुझे इसका बताएगा, व्हाई डिडंट यू ऑप्ट फॉर द राइट अलाइनमेंट, अभी अगर मैं इसको राइट अलाइनमेंट करूं क्या होगा, ये चाहिए बराबर है, तो दिस इज रॉन्ग, बराबर है ना, हाँ मुझे अलाइनमेंट, मेरा अलाइनमेंट कैसे आना चाहिए, मेरा अलाइनमेंट आना चाहिए, मेरा अलाइनमेंट ऑलवेज इज दिस ओनली और वो इसके साथ में मुझे लेफ्ट मार्जिन चाहिए,
राइट मार्जिन का मतलब वो राइट साइड से अलाइनमेंट करेगा, हमें जो चाहिए वो अपना यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, वो मेरा राइट साइड से ही मुझे अलाइनमेंट मिलेगा। Got it? Right? Shyamal? क्योंकि मेरा अलाइनमेंट पूरा हिल जा रहा है, मुझे यहाँ पे जो सेटिंग चाहिए ये सेटिंग मुझे ऑलवेज ये हिसाब से ही चाहिए, और इसके लिए हम लोगों ने इंडेंटेशन लिया। अलाइनमेंट कहीं पे भी यूज नहीं करना, अलाइनमेंट मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट ही होगा और लेफ्ट मार्जिन दे रहे, लेकिन लेफ्ट मार्जिन मुझे कितनी देनी मुझे थोड़ी पता है कि कितनी मुझे लेफ्ट मार्जिन देनी, उसके अच्छा मैंने सीधा जितना मुझे चाहिए उतना मैंने इंडेंटेशन कर लिया और उसके बाद फिर जो मुझे काम करना है करते जाओ। डन, ग्रेट, ओके। तो ये हो गया मेरा इंडेंटेशन। नाउ इसके बाद आगे डिस्पेक्टेड सर, आई हैव माई सेविंग अकाउंट इन योर बैंक अकाउंट नंबर, जो भी मेरा है वो अकाउंट नंबर, ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली गिव मी माई बैलेंस। Thanking you, yours truly या yours faithfully, जो भी है वो। थोड़ा गैप चाहिए बीच में, ओके। यहाँ पे भी अगेन द सेम थिंग, क्या मेरा इंडेंटेशन और ऊपर का वो नीचे का सेम अलाइनमेंट होना चाहिए। दिस इज द प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग द लेटर, ये मेरा पूरा मेरा परफेक्शन के साथ चाहिए ये, बराबर। अभी यहाँ पे ये दोनों मैंने सिलेक्ट किया है, पहले तो इसको मुझे जस्टिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे एक ही लाइन है, बट यहाँ पे ये जो दोनों है ना मेरा लेफ्ट और राइट, ये दोनों मेरा परफेक्ट आना चाहिए। मैं एक और एंटर करता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं जस्ट एक कुछ भी लिखता हूँ, इग्नोर माई कैरेक्टर्स, क्या मैंने लिखा है वो, ठीक है। अगर ये मेरा लेफ्ट मार्जिन होता तो सी कैसे आता मुझे, see the left margin and see the right side. When I say justified means दोनों साइड से वो अलाइनमेंट करेगा और जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसिस जो राइट साइड में थे वो इन बिटवीन द वर्ड वो अलाइन करके छोड़ देगा। दिस इज वॉट द जस्टिफाइड। अगर ये जैसे मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट किया तो यहाँ पे अगर सपोज मेरा तीन चार स्पेस एक्स्ट्रा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो बिटवीन द वर्ड है ना वो स्पेस को वो जस्टिफाई कर लेगा, बराबर है। जस्टिफाई कर लेता हूँ, मैंने लिखा एक बार लिख के रखा हूं मैं, ये वापस मैं इसको, फिर इसके बाद मेरा जो यहाँ पे गैप बिटवीन टू पैराग्राफ, गैप बिटवीन टू पैराग्राफ मुझे बढ़ा के चाहिए, गैप बिटवीन, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बिफोर को और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यानी दो पैराग्राफ के बीच में मेरा गैप बढ़ गया अपने आप। एट द सेम टाइम दो लाइन के बीच में भी मुझे दो लाइन, अगेन आई एम सेइंग लाइन, पैराग्राफ और लाइन में डिफरेंस क्या, मैंने जब यहाँ पे टाइप किया यहां से यहां तक ये मेरा एक ही पैराग्राफ था, मैंने एंटर नहीं मारा है, एक बार आपने एंटर की प्रेस किया मींस यू आर स्टार्टेड विद द न्यू पैराग्राफ, तभी बिफोर आफ्टर आएगा, बट जब तक आपका कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइन है ये पूरा ये लाइन स्पेसिंग हो गया। विद इन वन पैराग्राफ में जितनी भी लाइन है इन बिटवीन का अगर आपको गैप बढ़ाना है, आपका लाइन स्पेस बढ़ाना है, तो आपका यह आएगा लाइन स्पेसिंग, और बिफोर एंड आफ्टर मतलब बिटवीन टू पैराग्राफ, ये जो मैंने दो चीज बताया, दिस इज बिफोर आफ्टर एंड लाइन स्पेस, ठीक है। अभी इसमें एक चीज और मुझे चाहिए, ये मेरा जो पूरा है उसमें मुझे हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन थोड़ा अंदर से चाहिए, ओके। ये लिखने के बाद अगर आपको पहले से पता है तो आज की तारीख में हम और एक भी चीज करते, क्या करते, टाइप करने के बाद एक टैब मार देते, यहाँ पे जब टाइप ये तो ऑलरेडी मैंने सेटिंग किया है, तो एक टैब मारेंगे और फिर आप टाइप चालू कर दो तो भी वो अपने आप वो उसको इंडेंटेशन करके वो ले लेता है कि आपने ये इंडेंटेशन करके लिया है। हर एक लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर मुझे थोड़ा अंदर चाहिए, ओनली फर्स्ट कैरेक्टर, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंस फर्स्ट लाइन ऑफ माई पैराग्राफ,
क्लियर कट फर्स्ट लाइन ऑफ माय पैराग्राफ, सेकंड लाइन जैसा है वैसे ही चाहिए। मीन्स जब आप लेफ्ट और राइट मार्जिन देते हो वो सबके लिए हो गया फॉर एंटायर थिंग, बट ये जो चीज है इट इज फॉर अ पर्टिकुलर चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंडेंटेशन, बिफोर आफ्टर, लाइन स्पेसिंग और ये स्पेशियल, ये सारा का सारा चीज मेरा इसके अंदर आ गया। अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन, लेफ्ट अलाइनमेंट बट इंडेंटेशन, सेंटर बराबर है, गैप बिटवीन टू लाइंस, फर्स्ट लाइन का गैप, यहां पे भी सेम इंडेंटेशन और ये मेरा एक छोटा सा लेटर रेडी हो गया। जब भी आपको लेटर लिखना है, जब भी आपको लेटर लिखना है तो ये टाइम पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है मनीष भाई, आपका वीडियो ऑफ कर देंगे इफ यू डोंट माइंड। मनीष भाई, मनीष यादव, यस सर, आपके पीछे कोई स्नान कर रहा है मनीष भाई। हाँ नहीं तो थोड़ा आप घूम के बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। ओके ठीक है, सो रिमेम्बर दिस, ये चीज ऑलवेज ध्यान में रखना है आपका। पैराग्राफ का मैंने एक तो दिया, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, पेज सेटअप सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, और बाकी का चीज मेरा पैराग्राफ के अंदर, इवन फॉन्ट के अंदर भी मुझे ये सारा जो भी चाहिए। सपोज मुझे अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग करके देना है, आई कैन गो टू फॉन्ट ऑल्सो, या तो आप यहाँ से भी दे सकते हो कि मुझे एक अलग फॉन्ट चाहिए और उसका ये साइज प्लस माइनस चाहिए। नॉर्मल ये पूरा एक ही लेटर कॉमन ही होता है, बट स्टिल आपको अगर कभी ऐसा करना है तो आप कर सकते हो। कोई कोई चीज बोल्ड करके रखनी है तो आप उसको बोल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि जिससे उनको ध्यान में आवे कि भाई ये इनका ये चीज इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलवेज या तो हम लोग नॉर्मली सब्जेक्ट लाइन को कभी कभी अंडरलाइन करके भी रख देते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट लाइन है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये बोल्ड, इटालिक, इटालिक का मतलब क्या होता है, प्लांटेड आता है, मैं अगर इसको सिलेक्ट करके इटालिक करता हूं तो थोड़ा आ गया ना ये झुका हुआ, अंडरलाइन तो अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है बराबर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है वेन एवर यू आर राइटिंग अ लेटर। अब ये लेटर मैंने लिखा, फाइल में गया, एक प्रिंट कमांड, प्रीव्यू सामने आपके सबको आ रहा है, प्रीव्यू बराबर है, कैन यू सी दिस प्रीव्यू फ्रॉम, ये पूरा ये मतलब जैसे यहां पे लिखा है ये चीज एज इट इज वो मेरा पेपर पे जाएगा। आपको लगता है नहीं यार ये थोड़ा गड़बड़ वाला दिख रहा है, टॉप में मेरा गड़बड़ कर सकता है, मैंने चला गया पेज सेटअप पे और टॉप मार्जिन को मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया दोनों को, ओके इग्नोर, फाइल, प्रिंट, देख लो ये मेरा, और ये थोड़ा बढ़ाना है तो आप लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन कभी भी बढ़ा सकते हो। अभी ये मेरा परफेक्टली लेटर ड्राफ्टिंग दिख रहा है मेरा बराबर। इसमें भी जब आप प्रिंट कमांड देते हो, यहाँ पे आपका एक तो प्रिंटर का नाम क्या है, आपको सारे पेजेस मतलब पूरा प्रिंट करना है, वन साइडेड टू साइडेड तो यहाँ पे एक ही आएगा, पोर्ट्रेट लैंडस्केप है, A4 वगैरह है, वो सब चीज आप यहाँ से कर सकते। खाली इसमें एक ऑप्शन अपने को मिलता है एक एडिशनल, ओके प्रिंट ऑड पेज एंड इवन पेज, यहाँ पे तो सिंगल पेज है। सपोज मैं यहाँ पे 50 पेजेस प्रिंट कर रहा हूँ, सपोज आप यहाँ पे 50 पेज प्रिंट कर रहे हो, जब आप प्रिंट मारते हो तो यानी 50 पेज का प्रिंट मतलब क्या हो गया, सिंगल पेज में एक एक साइड आएगा मेरा 50 पेज आएगा, उसका बैक साइड मेरा वेस्ट होता है, तो मुझे क्या करना है, मेरा 25 पेज ही यूज करूंगा फ्रंट एंड बैक। तो वो टाइम पे मैं क्या करूंगा, नॉर्मल प्रिंटर में पेपर पलटी नहीं मारता, वो ध्यान रखना, या तो फिर आपको एक एक निकालना है वापिस डालना है, फर्स्ट निकालो सेकेंड डालो, उसकी जगह पे हम लोग क्या करते पहले सारे प्रिंट आउट निकाल लेते एज अ ऑड करके प्रिंट ऑड पेजेस और फिर सेकेंड टाइम प्रिंट इवन पेजेस, यानी कि एक बार आपका 135 से लेके 49 तक आ गया, वही पेज को आप वापस उल्टा करके डाल देंगे, सेकेंड टाइम 2, 4, 6, 8 से लेके 50 तक प्रिंट आ जाएगा। तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे क्या करना है, वो टाइम पे हमको यहाँ पे प्रिंट देना है प्रिंट एक बार और पेज और उसको ही फिर उल्टा करके प्रिंट इवन पेज, तो आप उसको फ्रंट बैक करके आप उसको प्रिंट करके ले सकते हैं। ये भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रिंट के अंदर मिलेगा। नंबर ऑफ कॉपीज भी आप निकाल सकते हो कि नॉर्मली ऑलवेज आप लेटर करते हो तो दो कॉपी चाहिए ही चाहिए, एक वहां पे सबमिट करना होता है और सेकंड अपने को एक्नोलॉज करके लेना होता है। तो दिस इज द वे
हम लोग एक लेटर ड्राफ्टिंग, एक लेटर टाइप करके ले सकते हैं। आपके इसके अंदर फॉन्ट के अंदर कमांड जो हम लोग ने यूज किया है, यू कैन गो टू फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर फॉन्ट की सारी चीज है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज है, कलर है, अंडरलाइन है, ये सारा चीज आप यहाँ पे करके ले सकते हो। स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, यानी कि अभी नीचे फ्रॉम लिखा है ना, ये देखो स्ट्राइक थ्रू कैसे आता है, सिंगल लाइन, डबल स्ट्राइक, डबल कैंसलेशन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट में क्या आता है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना ये सिक्स में, वो अपने आप ही टीएच ऊपर चला गया, ये सिक्स क्या था वहां पे देखो, वो बताएगा, सिक्स इज योर सुपरस्क्रिप्ट, मतलब कभी आपको अपने हिसाब से कुछ चाहिए तो उतना आप सिलेक्ट करो, वो सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज थोड़ा आगे यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एच टू ओ लिखा, तो ये जो टू आता है ना, टू कैसे चाहिए अपने को, टू डाउन चाहिए, यू कैन गो टू फॉन्ट, आप उसको सुपर सबस्क्रिप्ट कर लो, वो नीचे चला जाएगा, यानी कि ये मेरा सबस्क्रिप्ट हो गया। तो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कलर वगैरह कुछ करना है आप सिलेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते हो, या फॉन्ट में जाके भी आप उसको कलर, फॉन्ट कलर करके दे सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप उसको वहां पे दे सकते हो। यू कैन यूज द कलर सॉन्ग्स, सारा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, एंड आई कैन यहाँ से भी, जैसे मैंने बताया यहाँ से भी मैं कलर चेंज करके ले सकता हूँ, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, वहां से करना है या यहाँ से करना है। मैं यहाँ से तो अलर्ट थोड़ा लगता हूँ तो आपको कलर दिखेगा, वैसे वहां पे जो कलर थोड़ा डल लगता है, तो जैसे चाहिए आप वैसे यहाँ से कलर्स भी चेंज करके ले सकते हो। तो हम लोगों ने पेज सेटअप किया, मार्जिन किया, इंडेंट किया, अलाइनमेंट किया, ये सारा चीज, ठीक है। आई थिंक एक लेटर ड्राफ्टिंग का कंसेप्ट आपको समझ में क्लियर कट आ गया है। मैं ये फाइल को सेव कर देता हूँ, सेव ब्राउज, ठीक है। मैं मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये सारे मेरे अलग अलग बैचेस का है, दिस इज फॉर अवर MSCIT, ऑलवेज अगेन ये भी चीज ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड द फाइल मैनेजमेंट। ये स्टूडेंट के लेवल से अगर आपको आदत गिर गई, कहीं पे भी ऑफिस में जाओ, कहीं पे जाओ, आपको ये बहुत काम में आने वाला है। MSCIT के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया लेटर, क्यों? क्योंकि ऑफिस इसमें आप डेली बहुत सारे फाइल बनाते होंगे, दो महीने के बाद किसी ने आपको आके वो प्रिंट आउट दिया, अरे यार जरा ये पेज है ना इसमें थोड़ा ये चेंज कर, ये मुझे और एक प्रिंट आउट निकाल के दे, क्या करेंगे? बैठ जाओ ढूंढने को, क्योंकि मैं नॉर्मली आज 27 साल में मैं खुद कम से कम नहीं तो 500 कंपनी में जा चुका हूँ, तो मैं वहां की सिस्टम देखता हूँ ना, दिन में कभी ये टाइप का काम आया ना, पक्का है आधा एक घंटा तो कम से कम वो ढूंढने में चला जाता है, अरे वो फाइल कहाँ थी, 2 महीने पहले बनाई थी, 4 महीने पहले बनाई थी। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आपको वो भी एक चीज साथ में दिखा देता हूँ, फिर मैं सेकंड पे जाता हूँ। आप पेज लेआउट में तो गए ना, पेज सेटअप में, बराबर ये आपका है राइट, ये पेज में ही मुझे कहीं पे प्रिंट फाइल का नाम प्रिंट करके लेना है, पेज में ही मुझे फाइल का नाम, और एक से ज्यादा पेज है तो पेज नंबर प्रिंट करके चाहिए, बराबर है। तो कहां से आएगा, उसके लिए देयर आर समथिंग कॉल्ड हेडर एंड फुटर। हेडर मतलब हर एक पेज के टॉप में चाहिए, और फुटर मतलब हर एक पेज के बॉटम में चाहिए। तो मैं यहां पे जाता हूं पहले हेडर पे, हेडर, और मैं यहां पे एडिट हेडर करके लेता हूं, हेडर में आपने जो भी लिखा है वो हर एक पेज के टॉप में आएगा, और फुटर में आपने जो भी लिखा है वो आपका हर एक पेज के बॉटम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे सपोज मुझे लेटर लिखना था, मैं उसको लेटर जैसा बना देता है, तो मैं वो भी यहां पे कर सकता हूँ सेंटर में, ये सेंटर में ले लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने कुछ थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसका मैंने फॉन्ट थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे अपना कलर सिलेक्ट कर लिया। इट मींस अभी इसके बाद मैं यहां से नीचे जाता हूँ, सपोज मैं कुछ भी लिख के नीचे जाता हूँ, एंटर एंटर मार के नीचे जाता हूँ सेकंड पेज तक, देखो मेरा नीचे सेकंड पेज आ गया,
सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, हर एक पेज के टॉप में मुझे यानी कंप्यूटर्स लिख के अभी आएगा. क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहां पे लिखा है, मैं इसको डिलीट करता हूं. मैंने कहां पे लिखा है उसको, मैंने हेडर में लिखा है. हेडर मींस रिपीट ईच एंड एवरी पेज. ये हर एक पेज में मुझे उसको रिपीट करना. यहां पे भी अगर आप देखेंगे, मैं इसको अलाइनमेंट चेंज करता हूं वापस. ये मैं अगर इस पे टैब मारता हूं तो आप फर्स्ट और तीन, ये लेफ्ट सेक्शन, ये सेंटर सेक्शन और राइट, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये तीन लेवल में डिवाइड करके लेता है. आप यहाँ पे भी चाहिए आप उसमें जा सकते हो. आपका डिजाइन व्यू में आ गया. डिजाइन व्यू मतलब, क्योंकि मैं ऑलरेडी हेडर फुटर में हूं, इसके लिए डेट एंड टाइम, मुझे यहाँ पे डेट एंड टाइम चाहिए. कौन से फॉर्मेट में चाहिए, ओके. और ये भी डाल देता हूँ अपडेट ऑटोमेटिकली. इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं. यानी हर एक पेज में अभी ये मेरा डेट एंड टाइम आते जाएगा. ओके, वैसे ही मैं अगेन इंसर्ट में जाता हूं, फुटर में जाता हूं, एडिट फुटर करता हूं. नाउ फुटर के अंदर, फुटर के अंदर नाउ आई एम, क्या मैं दे रहा हूं, रिमेम्बर दैट, इंसर्ट में जाके, इंसर्ट क्यों दे रहा हूं मैं, ऑलरेडी डिजाइन्स आर देयर. यहां पे मेरे पास एक फाइल नेम और फाइल पाथ करके ऑप्शन आया हुआ है. ये चीज प्लीज, मैं प्लीज का मतलब समझना. यहाँ पे ठीक है, स्टूडेंट हो, फाइल किया, सेव किया, और टीचर ध्यान रखेगी अगर फुल हो गया, क्या हो गया, डिलीट करते जाएंगे. मैं घर पे निकल गया, मुझे पता नहीं है. बट जब आप ऑफिस में जाएंगे, जब काम पे जाएंगे ना, वहां पे आपको पता होना चाहिए आपने वो फाइल कहाँ पे और किधर सेव की है. नहीं तो एक मालूम पड़ा वो डाउनलोड में चला गया, दूसरा चला डेस्कटॉप में गया, और तीसरा कहीं और जाके पड़ा है. जब ढूंढने बैठेंगे तभी बाद में कुछ नहीं, बाद में फिर बॉस का गाली खाने का. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फाइल पाथ. इन सी क्या आ गया पूरा, सी कॉलन यूजर एडमिन डॉक्यूमेंट MSCIT लेटर डॉट DOCX, मेरा पूरा का पूरा पाथ आ गया यहाँ पे. ये फाइल को नीचे अगर ये प्रिंट हुआ रहेगा, मैं बोलता हूं 2 साल के बाद भी अगर ये फाइल आपके हाथ में आई ना, समझ में आ रहा है, बराबर है. आज सिंपल, आज हमारे पास यहाँ पे हमारे फैकल्टी भी है, वो मुझे कभी कोई आउटस्टैंडिंग का फाइल देते, ये देते, मुझे जब भी चाहिए ना फाइल, मुझे पूछता, अरे भाई ये कहाँ पर है, भले मेरे हाथ में प्रिंट आउट है, लेकिन वही प्रिंट आउट में अगर नीचे फाइल नेम और उसका पाथ अगर लिखा होता तो मुझे क्या किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर एक मैडम के हाथ में आया, दूसरा मैडम के पास आया, कि मेरे पास आया, मेरे को खाली देखना है, सी यूजर एडमिन में जाना है और मुझे वो जाके फाइल को ओपन करना है. इजी सिंपल. तो ये आपका कैसे आएगा प्रिंटिंग में, प्रिंट कमांड करके चेक कर लो. ये देखो नीचे प्रिंट होके आता है. आप कोई किसी को भी कुछ देंगे, नीचे प्रिंट आउट होके आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट, कोई बोलेगा नहीं अरे ये नीचे क्या प्रिंट करके दे दिया तुमने. सो आप यहाँ पे ऐसे भी प्रिंट करके ले सकते हो. उसके साथ में और भी क्या चाहिए, उसके साथ में मुझे अगर आपका पेज नंबर चाहिए, ओके, मैं जाता हूं यहाँ पे, यहाँ पे मेरा पेज और पेज नंबर, पेज नंबर भी आप यहाँ पे प्रिंट करके ले सकते हो. इवन आपका यहाँ पे जो क्विक पार्ट है ना, क्विक पार्ट के अंदर भी अलग अलग है, बट अपने को जो करना है अपने को ये मेजर करके ये यूज करना है. ठीक है, मुझे पेज नंबर चाहिए, बॉटम ऑफ द पेज में चाहिए, फॉर्मेट पेज नंबर चाहिए, रिमूव पेज नंबर चाहिए. There are so many things are there. आपको जो जहां पे जैसे करना है वैसे आप यहाँ पे लेके प्रिंट करके ले सकते हो. Remember this part. Go to header, header में आ गया, go to footer, footer में आ गया. जहां जैसे आपको चाहिए वैसे आप प्रिंट करके ले सकते हो. बट जैसे मैंने बताया, दो चीज इंपॉर्टेंट, एक आपका डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन और दूसरा हमारा पेज का नंबर. मैं अगर बॉटम ऑफ द पेज में मैंने यहाँ पे दे दिया मुझे ये चाहिए, तो उसके साथ में नीचे ये भी आ जाएगा मेरा. सो दिस इज टू इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर लेटर ड्राफ्टिंग. फुटर है और वो मेरा
पेज का नंबर है। इतना चीज में अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बताइए। इफ एवरीथिंग इज ओके तो ओके टाइप कर लीजिए, इफ यू वांट टू आस्क प्लीज चैट, या पूछना है कुछ तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ओके लीना ने दिया है ओके, संजय भाई ओके, बाकी ओके, मनीष भाई ओके, ग्रेट 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 फाइन, चलो मतलब मुझे सिखाने को आता है, गुड फाइन। सो नाउ ये हो गया मेरा एक छोटा सा लेटर ड्राफ्टिंग, मैं इसको सेव कर देता हूँ। आई विल गो टू सेकंड पेज, कंट्रोल एन करता हूँ या तो शॉर्टकट कम यूज कर रहा हूँ, फाइल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अभी सेकंड ऑप्शन मुझे दिखाना है, हाउ टू ड्रॉ अ टेबल, हाउ टू ड्रॉ अ टेबल, टेबल मुझे यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मुझे जो मेन पार्ट है दो तीन चीज वो मैं जो बता रहा हूँ वो आप करते जाइए। नाउ पहले तो व्हाट इज द यूज ऑफ टेबल, टेबल का मतलब मुझे वो कॉलमनर यूज में करना है, ठीक है। आप लोगों को छोटा मोटा टेबल ऐसे भी सिखाया होगा मैडम ने या आप लोग यूज करते होंगे, मैं कुछ और सिखा रहा हूँ। मुझे मेरा बायोडाटा बनाना है बट बायोडाटा मुझे टेबल से बनाना है, क्योंकि मैं जब लोग बायोडाटा बनाता ना तभी मैं हंसते रहता हूँ बहुत टाइम। मैं नॉट स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ ना तो मैं वो लोग की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट को हंसने का कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि स्टूडेंट सीख रहे होते हैं और उनको जो पता है वो स्पेस मार के कैसे भी करेंगे। बट जब जाता हूँ ना तो मुझे वो लगता है यार नहीं ठीक है, मेरे बच्चे जब जाएंगे ना तो मेरे बच्चे ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो पहले से पता होना चाहिए कि रिज्यूम बनाना तो रिज्यूम मुझे ये फॉर्मेट से बनाना, ठीक है। तो उसके लिए मुझे टेबल बनाना है। टेबल मतलब आपको पता है टेबल का मतलब क्या होता है, कॉलम और रो, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। सपोज मुझे यहाँ पे एक टेबल बनाना है जिसके अंदर मेरे पास तीन कॉलम है और दो रो है, तीन वन टू और थ्री, तीन कॉलम है वन एंड टू रो है मेरा, तीन कॉलम और दो मेरी रो है, ठीक है। हमको ये एक टेबल चाहिए, आपको पता है मुझे ज्यादा चाहिए आप डायरेक्टली टाइप करके ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, पहले तो मेरा यहाँ बाहर मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ से ऊपर कर्सर लेके एंटर मार दूंगा और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ दिस इज माई रिज्यूमे। कहे बहुत टाइम है ना मेरे पास, जब बायोडाटा किसी को मैं मंगाता हूँ ना तो पता है हमारे श्यामल मैडम को सबको पता है इतना वो हरा भरा कबाब आ जाता है ना, हरा भरा कबाब जानबूझ के बोलता हूँ, मतलब वो डेकोरेशन ये वो करके ऐसा लगता है कि जैसे कोई फैशन डिजाइनर के लिए अप्लाई किया होगा, कंप्यूटर के लिए अप्लाई नहीं किया होगा। ओके सिंपल आपका बायोडाटा होना चाहिए, सिंपल आपका ये होना चाहिए। बायोडाटा लिखते जाए तो रिज्यूमे लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या करिकुलम विट्टा, देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आते हैं। अभी यहाँ पे आपका कैसे आप करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम कॉलन शाह अल्पेश जी, ठीक है। ये चीज को मैंने छोटा कर लिया, ये चीज को मैंने एथरेटिस बढ़ा रख दिया, मुझे यहां से थोड़ा इसको मैंने गैप डाल दिया। ओके टैब आगे पीछे क्या होता है वो ठीक है, मेरे को खाली उसका कंसेप्ट दिखाना है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है। चाहे तो यार हम लेडीज नहीं है इसलिए अपन एज छुपा नहीं सकते, डायरेक्ट लिख देते हैं हम। ओके डेट ऑफ बर्थ फाइन, फिर उसके बाद एड्रेस। अभी मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं में, ये लेवल पे आते, अगर मैं टेबल यूज नहीं करता तो मैं नीचे आता हूँ। आप बोलेंगे यार टैब 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 टैब, हाँ ओके यहाँ से फिर मुझे लिखना है फोर गुलमोहर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड आर ए क्रॉस रोड, एंटर टैब 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 ओके, फिर गोरेगांव वेस्ट, ये दो तीन लाइन का मेरा होगा, वापिस एंटर टैब 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 टैब, ये अलाइनमेंट। और उसमें कभी ये बड़ा हो गया तो क्या हो गया मेरा अलाइनमेंट का
जय श्री राम हो गया, बराबर। तो उसकी जगह पे अगर आपने टेबल यूज किया तो क्या एडवांटेज मिलेगा मुझे, देख लो यहाँ पे, फोर गुलमोहर राइटिंग सोसाइटी लिमिटेड, स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ देना भाई मेरा, हाँ मैंने टाइप करना चालू किया, कैन यू सी दिस, या एंटर भी मार के मैं दूसरी लाइन में गया, मुझे ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये मिलता है। फिर उसके बाद और एक इंसर्ट करना है, इंसर्ट कमांड में जाके करो, कुछ नहीं यहां से एक टैब मार दो, वो अपने आप बढ़ते जाएगा, टैब मारो वो अपने आप बढ़ते जाएगा, क्वालिफिकेशन ठीक है, बीकॉम पीएआई लिख दिया मैंने, ओके टैब, एक्सपीरियंस, मेरा यहाँ पे कीबोर्ड थोड़ा लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा उसमें जाता है, ठीक है, सिंस 1990 वर्किंग एज अ कंप्यूटर टीचर, जो जो मुझे लिखना है वो मेरा वॉट एवर मुझे यहाँ पे लिखना है मैं वन बाय वन यहाँ पे लिख सकता हूँ। अभी आप बोलेंगे सर बायोडाटा में लाइनिंग थोड़ी होती है प्रिंटिंग में, ओके क्लिक करो, यहाँ पे मेरा क्या है आउटलाइन बॉर्डर है ना, नो बॉर्डर, और थोड़ा आपको लगता है कि थोड़ा इसको गैपिंग चाहिए तो थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, रिव्यू करके देख लो कैसे आता है आपको, बट आप जब एंटर कर रहे हो ना आपको कितना इजी पड़ता है, कितने रिलैक्स के साथ आप टाइपिंग कर सकते हो, मैं तो ये अगर लेआउट आप रेगुलर विदाउट टेबल करने जाएंगे सोच लो कैसे करना पड़ेगा, वो भी एक आपको दिखाता हूँ साथ में, चलो नेम टैब 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 कॉलन टैब फिर अल्पेश, ठीक है, आप बोलेंगे अरे नहीं सर हमको तो सेटिंग करना है, फाइन सेटिंग करते अपना रूलर देख लेते, रूलर किधर है मेरा, व्यू रूलर, ये रूलर आ गया, यहाँ पे एक टैब सेट करना है, ये भी एक है टैब के साथ, यहाँ पे और एक टैब सेट करना है, आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे आप टैब लगा के देख काम कर सकते हो, फर्स्ट टैब और सेकंड टैब, टाइप मारो यहाँ पे टैब 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 टैब, बट जहां पे ये टाइप का आता है प्लीज ऑलवेज यूज टेबल, ऑलवेज आपको यूज करना है टेबल, टेबल ऐसे यूज करना है, और जो मैंने आपको बताया ये मैंने अभी क्या बताया आपको, टैब बताया, टैब कैसे आपको सेट करना है, मतलब जैसे आपने यहां से टैब की मारी वो यहां से जंप होके कहां पे जाना चाहिए, उसके लिए आप डायरेक्टली ये टैब यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया नेम फिर टैब कॉलन टैब अल्पेश शाह, अब ये जो है मैं यहाँ पे पहला क्लिक किया और दूसरा क्लिक मैंने यहाँ पे किया, वो अपने आप वो गैप मुझे कर लेगा, बट वहां पे आई हैव टू प्रेस इन बिटवीन टैब की, एड्रेस टैब कॉलन टैब आपको टैब 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 वैसे करना है, ठीक है इतना बराबर है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है, जब भी आप टाइप करते हो वो टाइम पे आपने टाइप कर लिया, जैसे कि यहाँ पे मैं और एक टेबल लेता हूँ, इंसर्ट टेबल सपोज चार कॉलम तीन रो सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स क्वांटिटी और नेट अमाउंट, सीरियल नंबर मुझे इतना चाहिए, क्वांटिटी मुझे थोड़ा कम करके चाहिए, नेट भी मुझे थोड़ा ऐसे चाहिए, बाद में मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंसर्ट में जाके, या तो आप कॉलम और ये ऐड करो जाके, या तो आपका यहाँ से लेआउट में जाके इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट, या तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके करो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट और इंसर्ट कॉलम राइट, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, मुझे यहाँ से मुझे कॉलम ऐड करनी है, रेट टैब मार के वन इन वन कर दिया, चेक कीबोर्ड क्वांटिटी है
मैं टैप करके आगे जाता हूँ ना, वैसा शिफ्ट टैप करके पीछे भी आ सकता हूँ, शिफ्ट टैप करूंगा तो बैक, टैप करूंगा तो आगे, बराबर है। वैसे भी आप यहाँ पे कर सकते हो, टू माउस सिर्फ लिखने के बाद मुझे पता चला, अरे यार मेरे को एक और दो के बीच में कुछ लिखना था, क्लिक करो, बराबर है। आपको अभी यहाँ पे अबव और बिलो, उसके ऊपर करना है इंसर्ट अबव, एक रो ऐड करते जाओ, एक रो ऐड करते जाएंगे, तो इन बिटवीन ऑफ कॉलम रो जैसे चाहिए वैसे आप उसको प्लस माइनस करके ले सकते हो। फिर और एक चीज मुझे यहाँ पे पता चला क्या, कि मैं यहाँ पे जो मेरा हेडिंग है रेट ऑफ पर पीसेस, रेट पर पीसेस, फिर पर ये चला यार मेरे को इतना लंबा नहीं चाहिए, ये मेरा कॉलम नीचे छोटा है तो इसको मुझे इतना ही चाहिए। अब जब ये चीज हो गई तो रेट ऑफ पीस कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यार ये सिलेक्ट कर लो और ये सबको प्रॉपरली सेंटर में ले लो। ये अलाइनमेंट है, टॉप अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, कहाँ पे आपको कैसे चाहिए वैसे आप इसको यूज करके ले सकते हो। तो ये अलाइनमेंट भी हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज हम लोगों को नॉर्मली यूज करना होता है, राइट। सो आज हम लोगों ने जो किया, एक टेबल का मैंने बताया आपका, एक ये भी हम लोगों ने देख लिया, लेटर ड्राफ्टिंग भी देख लिया, एक रिज्यूम कैसे छोटा सा बनाने का, और लास्ट में मैंने एक चीज बताई थी कि आपको प्रिंट कमांड कैसे करने का, प्रिंट प्रिंट करके पेज नंबर वगैरह जो है जैसे आपको चाहिए, नीचे फाइल पाथ चाहिए वैसे करके हम लोग इसको प्रिंट करके ले सकते हैं, ठीक है एवरीबॉडी। तो आज का सेशन यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, हम लोग कल वापस मिलेंगे, क्योंकि अभी सब मैं पूछा सब लोग, आई थिंक एवरीबॉडी इज होम, तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता कि किसी को नहीं जमेगा वैसा। तो रोज मैं कुछ ना कुछ एक 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 टॉपिक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और इंटरनेट के ऊपर मैं लेते जाऊंगा। आज मैंने एक वर्ड का टॉपिक छोटा सा ले लिया, थोड़ा बीच में एक थियोरी भी ले लूंगा जो अपने को कंप्यूटर वगैरह की लेनी है। तो अगेन टुमारो वी आर मीटिंग एट द सेम टाइम 4 to 5 एवरीबॉडी, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। रोज मैं आपको आईडी और ये मैं शेयर करते जाऊंगा, 5-10 मिनट पहले 4:45 बजे रेडी हो जाइए, मैं आपको शेयर कर दूंगा आईडी पासवर्ड और हम लोग चालू करेंगे लेक्चर। तो अगेन टुमारो सेम टाइम वी विल मीट, थैंक यू। फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ओके।